ये हो गई है बच्चों की मैक्रोनी रेडी, चीज वाली। ये रहा चीज इसमें, और वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, थोड़े चिली फ्लेक्स ओरिगेनो वगैरह डाल के थोड़ा चटपटा बना दिया है। अच्छा बेटा, फुल मजे हो रहे हैं तेरे तो नानी के पास। क्लैपिंग करो पहले, क्लैपिंग। अच्छे क्लैपिंग, जय कर दे। तू ही तेरे बात ऊपर ला ली है। मैंने क्या पूछ, किसी बात कर रहे, मैंने कुछ करी है, अब ना अपने आप कर लो। के 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 है या बात, ताले मार। ठीक है, मैं दूं गी ताले मारूंगा, अपना सोची यार। क्या सोची? हां बस, लाइट्स कैमरा एक्शन। तो ये लोग गाइस किचन में हो चुकी है एंट्री, और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मैक्रोनी, क्योंकि उन्हें सादा खाते खाते बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जब उनका माता निकल रहा था तो 10-12 दिन हो गए बेचारा ने कुछ ऐसी चीज नहीं खाई जो उनका मन करता हो, तब उनके लिए सिंपल सी मैक्रोनी बना रहे हैं, क्योंकि उनका छींटा लग चुका है और अभी वो ठीक है बिल्कुल। तो प्याज तो नहीं डाल रहे अभी भी, लेकिन हाँ जीरे का छौंक लगा के घी में हल्का सा, और थोड़ी वेजिटेबल्स डाल के वही बना देती हूँ स्पेशल के लिए। चाची आप बना दो, मम्मी नहीं बनाएगी, आप बनाओगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ डाल दिया करूँ अभी, चीज़ मेयोनीज चिली फ्लेक्स ओरिगैनो वगैरह सारी चीज़ डाल के। बस हाँ थोड़ी मिर्ची कम रखनी है उनके लिए, मिर्च कम खा, टमाटर ना। तो चलते हैं बनाते हैं बच्चों के लिए थोड़ी सी मैक्रोनी। ये हो गई है बच्चों की मैक्रोनी रेडी, चीज़ वाली। ये रहा चीज़ इसमें, और वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, थोड़े चिली फ्लेक्स ओरिगैनो वगैरह डाल के थोड़ा चटपटा बना दिया है, बच्चे खुश हो जाएंगे, अभी उनको सर्व कर देते हैं। चलो बच्चों टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। गरम होगी, आराम से पैरा परख रहा, गरम है। अच्छी बन रहा है, बहुत टेस्टी। अच्छी मिर्च भी नहीं डाली मैंने तुम्हारे लिए, हमें मिर्च खानी नहीं। खा लो, रात का खाना हो गया थारा, ये कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है, नव्या सोने लग रही है, इसने पता लग गया ना। अभी हम भी सब्जी बना रहे हैं, हमें को खानी है। अच्छा है, ठीक है, खा लो। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 9, हमने खाना खा लिया है। दो रोटी मैंने, दो रोटी आशीष ने, और पुदीने की चटनी, और आशीष ने मस्त सा लस्सी बना रखी थी, वैसी नमकीन वाली, मीठी वाली नहीं। बताना जो चीज़ बना बहुत अच्छी बना, लेकिन वो हमारे पक्षी ना बनती जो आशीष के हाथ का स्वाद है। तो और सब कह रहे हैं लड्डू, लड्डू के बिना व्लॉग अधूरा, लड्डू के बिना तो हम ही अधूरे हैं, तो हम लड्डू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैं वीडियो कॉल कर लेती हूँ, पर वो रोने लग जाता है कभी, तो उसको याद ही नहीं आती हमारी, और क्योंकि बच्चा है अभी, वो वहाँ पर ज़्यादा खुश रहता है इन कंपेरिजन टू यहाँ, तो अभी वहीं पे है तो आएगा। तब मैं जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब लेके आऊँगी, तब तक यहाँ पे भी सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी प्रिया दीदी आ चुकी हैं नीचे, मैंने व्लॉग में नहीं लिया क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मतलब सुस्ती सी है, एक्टिव नहीं है ज़्यादा, तो अभी उनको छींटा नहीं लगा है, उनकी पूरी फैमिली को माता निकली है। और अभी मैंने तुषार को बोला है कि लड्डू की अच्छी सी सुंदर सी वीडियो बना के भेजो, ताकि मैं ब्लॉग में अपलोड कर सकूं, ताकि सब लड्डू को देख सके, क्योंकि तुषार ब्लॉग्स नहीं बना रहा है, उसने फैसला कर लिया है कि वो ब्लॉग्स नहीं बनाएगा, अब आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा है और आगे वो जॉब करेगा अपनी। तो अभी आप आगे देखोगी कि लड्डू क्या मस्ती कर रहा अपनी नानी के साथ, अपने मामू के साथ, तो वो देखना। और आजकल मेरी स्किन कुछ ग्लो कर रही है, मैं विटामिन सी का सिरम लगाऊं, वैसे पूछोगे तो TNW का, तो वही लगाती हूँ मैं अभी। मैंने अभी कोई मेकअप नहीं कर रखा, कोई भी मेकअप, ये तो ब्लैक है, इसे तो पता ही लगेगा। और तो और मम्मी का जब हम कल बात कर रहे थे, एनिवर्सरी विश कर रहे थे, तो मम्मी कह रही थी लड्डू की याद आ रही है वहाँ पर, मतलब मेरी सासू माँ, तो मम्मी आएंगी मेरे ख्याल से 25th के आसपास। और आशीष ने मिला दिया लड्डू को फ़ोन, देखते हैं क्या कर रहा है वो, पहले देखे तो सही। हेलो, अच्छा बेटा, फुल मजे हो रहे हैं तेरे तो नानी के पास है लड्डू। हाँ जूनी, क्या कर रहा है भाई क्या कर रहा है? लड्डू शेर बनना, शेर बन गया ना, शेर बन जा, शेर बन के दिखा। सब तेरे को मिस कर रहे हैं व्लॉग में लड्डू।
आए गंदे बच्चे, याद नहीं आती ना तेरे को मम्मा की जरा सी भी। बैठाइए, बैठाना मम्मी। नानी के साथ इतना खुश हमने देख कर रोवा, बताओ। अरे लड्डू, हेलो हेलो गाइस, देख सब तेरे को मिस कर रहे हैं, लड्डू के बिना तो ब्लॉग अधूरा अधूरा है। पूछी लड्डू, हाँ भाई क्या कर रहा है रे, क्या कर रहा है? हाँ ऐसे करता है लड्डू गाइस, हमसे बात ही नहीं करता है, ऐसे करता रहता है बस। देखो जय कर रहा है हमें, हम माता पिता को जय करो। और संस्कारी बच्चे रोने लग जाए। चलो मैं इससे बात कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कौन है? जय कर दे सबको, जय कर दे लड्डू, नो जय करो, क्लैपिंग करो पहले, क्लैपिंग, जय क्लैपिंग, जय कर दे, जय कर दे, जय जय। सो गाइज, अभी आशीष गए हुए हैं बाहर घूमने, मतलब अपने फ्रेंड के साथ खाना खा के घूमने जाते हैं वो थोड़ा पीछे तक। तो मेरे दिमाग में एक और धांसू आइडिया कि मैं आशीष के साथ एक प्रैंक करूं, क्योंकि सुबह हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी किसी बात को लेकर, तो उसके बाद थोड़ा सा मूड ऑफ था, बेकार सा हो रखा था। तो अभी प्रॉपर वे है, मतलब रिवेंज लेने का एक तरीका है, क्योंकि आशीष ने मेरा मूड बहुत ख़राब किया था कॉलेज से आते वक्त, तभी लड़ाई हो गई थी हमारी। तो अभी मैं मतलब एक प्रैंक करूँगी कि रूडली बोलने का, कि मैं अच्छे से बात नहीं करूँगी आशीष से, उसको इरीटेट करूँगी कि भाई मेरे से बात मत करो, ये है वो है। तो आशीष का रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि अभी हमने खाना वाना खाया है, सब कुछ अच्छे से मना मनु के एक दूसरे को, तो उसके बाद भी बोलेंगे कि अभी तो सब कुछ ठीक था, एकदम से अब क्या हो गया। तो आशीष का रिएक्शन देखेंगे कि क्या होगा आशीष का रिएक्शन, क्या वो गुस्सा होंगे या मेरे को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो सब आपको व्लॉग में देखने को ही मिलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कैसा रिएक्शन आने वाला है। तो मैं कैमरा आज वहाँ सेट नहीं करूँगी, कहीं और जगह सेट करूँगी जहाँ से उनको शक ना हो कि यहाँ पे कैमरा हो सकता है। तो देखते हैं, मैं जगह ढूँढ लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। आशीष आने लग रहे उधर से, चलो 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 जल्दी, रेडी स्टेडी गो। इससे पहले मुझे देख ले, मंत्र भाग जाती हूँ। गाइज आशीष आ चुके हैं, गेट की आवाज़ आ गई है नीचे, मैं जल्दी से कैमरा कर देती हूँ सेट और आती क्लास लगाएंगे, मजे आएगा आज। कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, बस रिएक्शन देखेंगे क्या। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइज आशीष आ चुके हैं और अभी अंदर आने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। ये टाइम पटर का टाइम है, कभी भी पढ़ लो, उसमें क्या है, दो पैर में भी ना पढ़ लो, फिर तो पैर में काम करो, काम करो जी, कुछ नहीं। तुमने संभाल ली थी, कितना गंदा हो रहा है वो कमरा, साफ सुथरा कमरा इसका भी कैसे संभाल, ये पड़े नहीं वो पड़ा, ये दो यहां पे गिराए हैं, दो तरफ फ्रिज में कर दे, आप कर दो फिर, क्यों हो गया, मैं तो कर दूंगा, तेरे क्यों रहा है, कुछ ना हो रहा फिर, दही जमा थे, दही ना जमानी है, फ्रिज में दरवा लग रही है, आप ही रखो, मैंने तो कुछ कही ना है, तू इस तरह का बात क्यों कर लग रही, तू इतने बात क्यों कर लग रही है, मैंने क्या कही है, बता, नॉर्मल है तो बात करो, मतलब तड़की की लड़ाई इतने आओगी है, ये तेरे बड़े मुंह बना के सो गए ना, किसी बात करे, मैंने कुछ कही है, किस तरह बात कर लगी तुम, दिमाग चल रहा है, मैंने आप तो कुछ कही है, बद्दे बिना बात तो बड़बड़ बड़बड़ बात की, मैं धर्म ही सकती
अरे साफ बर्तन है रखिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है? कम कम दे, जमा दे। जमा दूंगी मैं, अभी टाइम ही क्यों है? आप तो कहिए मैंने कुछ, मैंने काम करना है ना। किस टाइम सोओगी? टाइम दे क्या है? सो जाऊंगी मैं, रोज उठू ना। आप भी तभी आए हो ना भारतीय, कोई टाइम थोड़ी हो बाहर जाने का। पड़ी है ये देख, ये भी आपने खा कर पैक रखी है। तू तो फेंक सका है, मैंने खा कर पहन दिए। क्यों का क्यों सुबह की बात कम बना रही है? मेरी मर्जी, मैं कैसे भी मुंह बनाऊं इसमें की बात हो है। किसी बात कर लग रही, किसी में वो के भी कर लग रही, दिमाग चल रहा तेरा? इस पे दिमाग भी चल गया, मतलब अपने पागल घोषित करना चाहोगे आप? केस का तो दिमाग भी चल रहा है। कैसी किस तरह तो बोलने लग रही तू? नॉर्मल तरीका मतलब ईसा कर रहा क्या तरीका थी? नॉर्मली तो बोल लूं, जो आप कुछ उसका आंसर दे हूं यूं सब देना है। और कैसे लंस्टर भी बात हो यार, कोई मन्नत ऐसे यहाँ करनी है? देख लो आपकी मर्जी है, रहना है तो ये करना है, बात करनी है तो कर लो, नहीं करनी मत करो। पहला तो मैं पढ़ूँ, मुझे भी आपने पहला तो ना दी नहीं सी आमे पढ़ूँ तो जब भी तेरा प्रॉब्लम ना पढ़ती जब मुझे जा पढ़ती को नहीं पढ़ती को नहीं बता मैं क्या करूँ? आज इरिटेशन था आपने गुस्सा रखी थी नॉट में। मैंने की गुस्सा दी भाई? और किसने गुस्साई बता दे? जब दो दिन तले ला ले नु पता ही है दवाई है, फिर भी कुछ है, सुबह भी ले शाम में भी ले। और बात मान नहीं होती ना मेरे नुए, ज्यादा गुस्सा उठा आप पे। के बात मान नहीं होती? खांसी हो रही है, ठंडा सीट फेर पिया आपने शाम में। की परमाना बिना करा भाई, अब अच्छे हो? मैंने कुछ की ना बनाया था सुबह, मैंने तो ना बनाया, चाय पी थी आज तो सुबह चाय पी थी। कल आपको खांसी नहीं थी? देखो ना खांसी दो दिन तक हुए गया ना, दो दिन तले लग रहा था। आपके अंदर भी इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। मैं ना पीऊं ठंडा सीधा पानी शे कुछ भी, इसमें भी मैं बताऊं तो कौन बताओगा? बाहर का होगा कोई, मैं ना पढ़ दो, मेरा दिमाग पहला ही कल पेपर कुछ भी ना आता, मैंने फालतू में हो जाता, फेल फूल हो जाऊंगी कुछ, फिर मेरे तो बकोगे। टाइम दे के आगे ये चीज तू तो पहले सुनी, तू तो भी तो पढ़ सकेगी ना। क्यों भाई, मैंने रेस्ट ना चाहिए के? और रेस्ट कितनी देर का लेती? घंटा रेस्ट करके कर लेती ना? मैं तो ऐसे जैसा मन कंफर्टेबल लगेगा मैं वैसे ही करूंगी। अद नहीं हो रही है रिशु? कुछ अद ना कर रही है अद, किसी के पाया वो चला लगी के कि ये सुन सुन गए। कौन सुनाओगा, सारा दिन दम अपने कमरे में रहूं, कौन सुनाओगा मेरे से? वो क्या तो भाई नुभी है करिए अपने यू गला, कोई ना कौन शिक्षा देगा ना अपने पति का यू बात कर? आपने इरिटेट कर रखी हूँ मैं, मन की इरिटेट कर दी भाई, मेरा स्ट्रेस हो रहा बहुत ज्यादा, मैं डिप्रेशन में पहुंच जाऊंगी, तो प्लीज के हो रहा है नु बता दे देने से। कुछ ना हो रहा, बस मेरा कुछ जी नहीं करता, मैंने किसी से बात नहीं तड़के तो मुंह बनाए बैठी है तू। आपने भी पता किस बात पर मुंह बन रहा है और किस बात तो मैं इरिटेट हूं, सारी पता आपने। तो मेरी गलती सारी, और किसकी गलती है? सही है अपनी दिमाग नहीं ना कुदरे, और फिर उस बात में दोहराऊंगा फिर तेरा दोबारा मुंह बनेगा, ठीक है? फिर दोबारा मुंह बनेगा तेरा, इससे बड़े बड़े कुछ तो मैं ना बहस मत करो मेरे साथ, बहस भी मैं ही करूं, ये मैं करूं ना बहस भी, जा दूध गर्म कर ला दे। मैं कर लूंगी अपने आप ना, मैंने सुनूंगा भाई अपने आप ना, अपने आप कर लो। के है या बात अपने आप कर लो, सब करे ना, आज नहीं कर लग रही है रात ने ब्लॉग बनाया ये रोले के चक्कर में। क्यों बनाऊं मैं ब्लॉग? मत बना, मैं छोड़ दे, मैं बनाना भी छोड़ देगी, हां बनाना छोड़ देगी, ताले मार ठीक है मैं दूं जी ताले मारूंगा, अपना सोची यार अभी क्या सोची? हां बस वो बोल रही था के ये बे चल बात क्यों क्यों की बात कर ज्यादा, अपना सो जा तू ही सोचिए बैठ कर, देख देख मोहब्बत देख।
रहा देखो गाइस, कैमरा से देख लिया मुंह तेरा मुंह जो भी बन रहा था कहीं ना मुंह बन रहा ठीक है। लड़ाई होगी हस्बैंड वाइफ में तो मुंह बनेगा। गाइस मेरा प्रैंक सक्सेसफुल, आशीष के रिएक्शन देखे आपने कैसे रहे। आशीष पूरा गुस्से मुरा था, अरे गर्मी में सोए बिना एसी के, सुन रहा था सही मारो यार तेरी। मेरा प्रैंक सक्सेसफुल कर दिया आपने, आपने मेरा प्रैंक सक्सेसफुल कर दिया। मुंह तो तेरा जब बन रहा था सुबह, क्या हो गया अब इनको पास हुई, मैंने प्रैंक करा है अपना भीतर सुनवा और इतना प्रैंक प्रैंक नहीं सुना नहीं बता दिया चला दिया इसी मगा बाहर आवाज उड़ा चली खुद अभी आप इसी में सो लग रहा था बुला मैं भी ना मना कर लूं बेटा आगे गाइस आज हमारे दिन में लड़ाई हो रहा है आशीष ने मैं मनाई भी को नहीं रात शाम ने जब चाय बनाई ना मैंने जब पे उठे है ना तो देख लूंगी मार का अपने आगे के मेरी लड़ाई ना मचेगी आपकी गल्ला तो भाई बेखाम खाओ आशीष को सुना बेखाम करो सीधी कोई बात ना थी पहल लग जाएगा पहल लग जाएगा। तो गाइस कमेंट करके बताओ आपको मेरा प्रैंक कैसा लगा, आशीष से रूडली बात करने का प्रैंक कैसा लगा और आशीष के रिएक्शन कैसे लगे। सच में यकीन हो गया था कि यह सुबह की बात पेरू से रही है। तो मेरा प्रैंक रहा सक्सेसफुल, जाओ आप सो जाओ जहाँ सोना है आपको, यही सोऊंगा इसी में। क्यों एसी में क्यों सो रही, ये वाला चलाओ और बड़े वाला एसी, यहाँ मैं सोऊंगी सबसे आगे। सो जाओ। तो गाइस मेरा प्रैंक रहा सक्सेसफुल और ये वाला एसी हम चलाएंगे, वो वाला बंद करेंगे। उसमें गैस लीक हो रही है क्योंकि मतलब एएमसी कराई थी हमने, जो वारंटी एक्सटेंड करवाते हैं तो एक महीने बाद उसमें गैस डलेगी, तो तब तक ये वाला चलाएंगे। और ये बहुत ठंडी हवा दे है क्योंकि अब लड्डू नहीं है, लड्डू के साथ में हम ये वाला नहीं चलाते क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा देता है। तो अब हम चला लेते हैं ये वाला एसी, उन्होंने व्लॉग के मारी बंद कर रखा था गर्मी में मरगी। तो ये था आज का व्लॉग, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो बहुत सारे अच्छे अच्छे। आपको मेरा प्रैंक कैसा लगा कमेंट करके बताना। और कल मेरा पेपर है, मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा, उसके बाद दूध दाल पी के सो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।